वैसे तो हम पड़ोसी थे। बड़े भैया की शादी आपने अपनी बहन से करवाकर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। लेकिन पता नहीं था ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा कि हम सब अपने काम काज के चक्कर में इतने उलझ जाएंगे कि अब तो लगता है कि हमारा भतीजा भी आपका ही होकर रह गया है। जब आपके एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो तुरंत ही मैंने नेहा को फ़ोन किया। अच्छा लगा ये देख के कि आप ठीक हैं। बड़े भाई साहब, इनसे मिलिए। पहचाना? नमस्ते। ये मेरी बीवी। वैसे बड़े भाई साहब को आप कौन सी दवा देते हैं? अरे डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना, वही दवाई देते हैं। वैसे हम कभी डॉक्टर नहीं बन पाए, पर हमने डॉक्टर की पढ़ाई की है। ऐसे मरीज को कैसे ठीक करना है हमें बड़ी अच्छी तरीके से आता है। जब तक हम यहाँ हैं तो बड़े भाई साहब की सारी देखभाल हम करेंगे। वैसे तो इन्होंने आपको बता ही दिया होगा कि हम पास वाली जमीन बेचने के लिए आए हैं। जो जमीन आपने और बड़े भैया ने साथ में मिलकर खरीदी थी, हम उसी का सौदा करने आए हैं यहाँ। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, बंटवारा बराबर का ही होगा। चाचा जी चलिए ना, वैसे भी हमें देरी हो रही है। बड़े भाई साहब आते हैं। जानवी जल्दी आओ बाबा। अरे आ गई बाबा। शुभ काम के लिए जा रहे हो, वो भी बिना दही शक्कर खाए? तुम भी ना, पल में कुछ हो पल में कुछ। वो मन ही क्या जो बदले नहीं। चलो भगवान करे आज का काम आपका सफल हो जाए। अरे हमें ही खिला दोगी, हमारे भतीजे को भी कुछ खिला दो। अरे मैं तो भूल ही गई। उप्स। तुम भी ना कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो। अब भतीजे को जल्दी से ये दही खिलाओ, हमें लेट हो रहा है। ठीक है, हम अपने प्यारे भतीजे को अपने हाथों से खिलाते हैं। इनका भी शौक है तुम्हें? नहीं ऐसी बात नहीं है दीदी, वो कभी कभी काम के लिए ये दो चार दिन बाहर चले जाते हैं, तो हम अकेले में करे तो करे क्या, तो ये किताबें ही काम आती है। वैसे सच कहूं तो इसका शौक किसे नहीं होता। क्यों भैया के जाने के बाद आपको ये सब मन नहीं करता? हम अपना कहें तो हमें तो हर रोज ये मन करता है। वो तो ये है कि ऑफिस से आके थक जाते हैं, वरना हम उन्हें कभी सोने ना दे। शादी के इतने दिनों में भी इसका खुमार उतरा नहीं? ये खुमार कोई उतरने की चीज है दीदी? हमें ये सब इतना पसंद नहीं है। वो तो हमें दिख रहा है कि आपको ये कितना पसंद है। ये वो कल रात को मच्छर मारने के चक्कर में खुद को ही नाखून मार बैठे। हमने तो कुछ पूछा ही नहीं दीदी, बस ये कह रहे थे कि इस चीज में सबको मजा आता है और जिसे नहीं आता है उससे जिंदगी में जीना ही नहीं चाहिए, तो हम चलते हैं। बड़ी तीखी छुई है।
सुनो। हाँ चाचा जी। कहाँ तक है हमारी जमीन? चाचा जी, जहां तक आपकी नजरें जा रही ना, वो सारी की सारी जमीन हमारी है। मेरे को एक बात बता, आपको इस चीज से दिक्कत तो नहीं है कि मैं जमीन बेच रहा हूँ? बिल्कुल नहीं चाचा जी, आखिर इस जमीन में आपका भी तो हक है ना, जितना हमारे। अच्छा चाचा जी, आपको एक बात पूछे अगर बुरा ना लगे तो? हाँ पूछिए, क्यों नहीं। चाचा जी, ऐसी क्या सूझी जो आप ये जमीन बेचना चाहते हैं? अब तुमसे क्या छुपाना है, मैं और जानवी कब से बच्चा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार किसी न किसी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर के हिसाब से कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है जिसके इलाज में काफी वक्त लगेगा, और जानवी है कि जिद पड़ गई है कि उसे बच्चा चाहिए ही चाहिए। बच्चा पाने के लिए सिर्फ दो उपाय है, एक तो हम बच्चा एडॉप्ट कर लें, या तो डॉक्टर को ज्यादा पैसा देकर IVF करा लें, और दोनों में ज्यादा पैसे लगते हैं। हमने ये गांव की जमीन बेचने का प्लान किया इसीलिए। समझ गया चाचा जी, और मुझे लगता है आपको चाचा जी को भी ये बात बतानी चाहिए, वो बहुत खुश होंगे। चलें। आप चलें, थोड़ा सा तहसीलदार से मिलकर आए, बताएगा क्या बहुत चल रहा है जमीन का। सोनू क्या कर रहे हो? बाहर किसी ने देख लिया तो गलत समझेंगे। जिसे जो समझना समझे। हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि आपने हमारी जमींदार के तहसीलदार से पैसे लिए थे? अच्छा सुनो, शांत हो जाओ और मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। अरे क्या सुनो? इतनी सारी बात आप हमें पहले नहीं बता सकती थी क्या? और अगर अभी भी कुछ आपने छुपा के रखा ना तो बता दीजिए, हम आज सुनना चाहेंगे। बैठो, बैठो। ये सच है कि मैंने तहसीलदार से जमीन के लिए पैसे लिए थे, लेकिन हमने वो पैसे तब लिए थे जब तुमने हमें कहा था कि तुम्हें बिजनेस के लिए फंड्स की जरूरत है। बिजनेस के पैसे आते ही मैं वो पैसा लौटाने वाली थी। लेकिन आप एक बार ये बात मुझे बता देते, हाँ? देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और सुंदर को भी इसीलिए मैंने यहाँ बुलाया, क्योंकि तहसीलदार ने मुझे कहा है कि हमारी जमीन खरीदने में कई लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, तो मुझे लगा सुंदर को बुला लेना बेहतर होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, अपने हिस्से की जमीन हम नहीं बेचेंगे। अगर अभी भी ये कोई बात आप हमसे छुपा रही है ना तो बता दीजिए। नहीं, अपना मूड ठीक करो, नहीं तो बाहर सुंदर क्या सोचेगा। अरे चाची जी, आप, अरे क्या हुआ चाची जी? अच्छा भतीजे, काफी मच्छर है जो हमारा खून चूस रहे हैं, पर क्या है ना, अगरबत्ती नहीं मिल रही है, अगर आपके पास हो तो एक दे दो ना, वरना हमारी रात जागते ही चली जाएगी। चाची जी आप एक मिनट रुकिए, हमारे पास है, हम अभी ढूंढ देते हैं। वैसे काफी बड़ा कमरा है तुम्हारा। ये लीजिए, अब से आपको कोई भी मच्छर नहीं छुए। सबका तो पता नहीं, मगर हम चाहते हैं कि हमें कोई छुए। मैं कुछ समझा नहीं चाची जी,
यही तो बात है कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। खैर छोड़ो, जिस दिन हमें वक्त मिलेगा उस दिन हम समझा देंगे। फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ।